फेंकता है नॉर्मल ईयर एक डे फेंकता है तो 11 इंटू टू इज 22, 35 इंटू वन इज 35, 35 इंटू वन इज 35, तो 22 प्लस 35, 22 प्लस 35 दैट इज 57 ऑड डेज होंगे, रीजन क्या होंगे बच्चा सोचे कि 57 में एक्चुअल ऑड डे कितने होंगे, एक्चुअल ऑड डे तो 57 को अपन डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 57 वुड बी डिवाइडेड बाय 7 तो 56 हो जाएगा मेरे ख्याल से, एक ऑड डे और, मतलब सर जितना मैं समझ पा रहा हूं उसके हिसाब से तो 1600 प्लस 1946 की लास्ट डेट दैट इज 31st दिसंबर को कितने ऑड डे रहेंगे, दो ऑड डे, कितने ऑड डे रहेंगे इंडिया में से, तो दो ऑड डे मतलब सेकेंड ऑड डे बेटा कौन सा रहता है ट्यूजडे, तो 31 दिसंबर को तो क्या रहा होगा ट्यूजडे, कौन सी 31 दिसंबर को 1946 की। अब स्टार्ट करते जनवरी, स्टार्ट कहां से करते जनवरी से, तो बताओ अपने को जाना कहां है 1947 की सुबह, अगर मैं तुमको बताऊं तो सबसे पहले एक जनवरी जो रही होगी वो क्या रही होगी वेडनेसडे, क्या रही होगी वेडनेसडे, तो मैं स्टार्ट करता हूं ट्यूजडे से गिनना शुरू कर दो यहां वेडनेसडे जहां से, अगर आप ट्यूजडे से गिनोगे तो आपको जनवरी के पूरे 31 दिन देने पड़ेंगे और अगर आप एक जनवरी से गिनोगे तो आपको जनवरी कितने दिन देने पड़ेंगे 30 दिन, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड, ठीक है ना, तो जनवरी 1947 हमारे आजादी वाले साल का पहला दिन क्या था वेडनेसडे। अब देखो जाना कहां तक है बेटा, देखो जाना है 15 अगस्त तक, स्टार्ट करते हैं इसमें तेरे पास जनवरी के दिन कितने हैं 30, फिर इधर कौन पहुंचते हैं फरवरी कौन थी 28, फिर लीप ईयर तो नहीं है, नहीं सर लीप ईयर नहीं है, मार्च कितना 31, अप्रैल कितना 30, मई कितना 31, जून कितना 30, जुलाई कितना 31 और अगस्त कितना 15, तो मुझे एक बात बताओ ये कुल मिला के दिन सारे काउंट करे जाए तो कितने होते हैं, कितने बच्चे बोल रहे हैं 227, तो क्या इन 227 को 7 से डिवाइड कर लें ताकि हमको ऑड डेज मिल जाए हर वीक के बाद, तो ये हो जाएगा 3 - 21 बचा 1 - 17 - 14, 3 ऑड डे और रहेंगे, 3 ऑड डे और रहेंगे, तो बेटा 1 जनवरी से तो 3 ऑड डे और गिन, 1 जनवरी को तो बस क्या था वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से तो 3 ऑड डे और जा तब जाके देखो एग्जैक्ट डेट मिलेगी किस दिन देखो आलदे मिलेगी, तो वेडनेसडे का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो बेटा 15 अगस्त, अगर मैं ढंग से बोलूं 15 अगस्त 1947 वाज अ व्हाट सैटरडे, सैटरडे कैसे आया 3 ऑड डे एक्स्ट्रा निकले, हम वेडनेसडे तक पहुंच चुके थे, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, जिन बच्चों क्लियर नहीं हो उनके लिए एक और क्वेश्चन करवा, ठीक है यहां तक चलो।